स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। ज्वालामुखी माउंट अरेबस हाल ही में चर्चा में रहा, ये किस महाद्वीप में स्थित है? ए यूरोप, बी अंटार्कटिका, सी उत्तरी अमेरिका, डी एशिया। आंसर बी अंटार्कटिका। एक्सप्लेनेशन, अंटार्कटिका का सबसे प्रसिद्ध सक्रिय ज्वालामुखी माउंट अरेबस से हाल ही में हर दिन $6,000 मूल्य के गोल्ड डस्ट निकलने से चर्चा में आ गया है। माउंट अरेबस अंटार्कटिका का दूसरा सबसे ऊंचा और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है और अंटार्कटिका के रॉस द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न, आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? ए पैट कमिंस, बी मिचेल स्टॉक, सी युजवेंद्र चहल, डी जसप्रीत बुमराह। आंसर सी युजवेंद्र चहल। एक्सप्लेनेशन, राजस्थान रॉयल्स के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। अपने 200वें विकेट के रूप में उन्होंने मुंबई इंडियंस के मोहम्मद नबी को आउट किया। चहल ने 2014 और 2021 के बीच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेला था। चहल 2022 में राजस्थान रॉयल्स को ज्वाइन कर लिया था। अगला प्रश्न, हाल ही में शंघाई ग्रैंड प्री का खिताब किसने जीता? ए डेनियल रिकियाडो, बी लुइस हैमिल्टन, सी फर्नांडो अलोंसो, डी मैक्स वेरस्टैपेन। आंसर डी मैक्स वेरस्टैपेन। एक्सप्लेनेशन, 3 बार के डिफेंडिंग चैंपियन रेड बुल के मैक्स वेरस्टैपेन ने शंघाई ग्रैंड प्री 2024 का टाइटल अपने नाम कर लिया। इस सीजन में 5 रेसों में यह उनकी 4थी जीत और पिछले सीजन में पिछले 27 रेसों में उनकी 23वीं जीत थी। अगली ग्रैंड प्री रेस 5 मई को मियामी यूएसए में आयोजित की जाएगी। अगला प्रश्न, एसीसी पैराकेनो एशियाई चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने 2 स्वर्ण पदक जीते? ए प्राची यादव, बी अनामिका सिंह, सी रागिनी विश्वास, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए प्राची यादव। एक्सप्लेनेशन, मध्य प्रदेश की शीर्ष पैरा कैनो प्राची यादव ने टोक्यो जापान में आयोजित एसीसी पैराकेनो एशियन चैंपियनशिप 2024 में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। ग्वालियर की रहने वाली प्राची ने महिला KL2 और महिला VL2 कैटेगरी में मेडल जीता। प्राची को साल 2023 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 21 अप्रैल, बी 22 अप्रैल, सी 23 अप्रैल, डी 24 अप्रैल। आंसर सी 23 अप्रैल। एक्सप्लेनेशन, हर साल 23 अप्रैल को पूरी दुनिया में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत साल 1995 में यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया था। ये साहित्य और लेखकों के लिए एक वैश्विक उत्सव है। विश्व पुस्तक दिवस 2024 का थीम रीड योर वे है।